नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे दोस्तों। अभी हम और बिरजू जी हैं पटना में, और पटना घूम रहे हैं। पीछे देखिए चिड़ियाघर है, ठीक है, देखिए बजरंगबली का मंदिर है, आगा देखते रहिए आप लोग। काफ़ी अच्छा व्यू है भाई साहब। इधर देखिए एयरपोर्ट, क्या बिरजू जी, बाकी इधर देखिए, बोलिए हो सरकार। अभी हम लोग ब्रिज के ऊपर से गुजरने वाले हैं, और ब्रिज के ऊपर चलाना अपने आप में बहुत ही अलग मजा दे जाता है, क्या बताएं आपको। इधर है अभिलेख भवन, आधार भवन है, और सीन काफी भव्य सीन है भाई साहब। शेयर कीजिए, जहाँ भी देख रहे हैं फेसबुक पे शेयर कीजिए। आप देखिए क्या गजब सीन है भाई साहब, क्वालिटी भी गजब बन रहा भाई हो। बाकी आवाज़ कैसा आ रहा है, क्लियर की नहीं वो नहीं समझ में आ रहा। काफ़ी इधर ग्रीन सिटी है क्या, बहुत बढ़िया लग रहा। अब देखिए इधर घूमने में तो मज़ा आता भाई साहब, क्या बात है। ब्लॉग बना रहे हैं, काफ़ी अच्छा लग रहा सीन सब। इसलिए वाहन धीरे चलाए अपना कीमती जीवन बचा, लगभग चौथी बार हम लोग आए हैं पटना न, दो बार तो वहाँ आए थे बाइक से, तीसरी बार और वैसे पांचवी बार बाइक से, तीसरी बार मतलब एक बार वो नौबतपुर में बाबा आए थे तो वहाँ आए थे, और एक बार हम कुंदन आए थे पटना जो घूमने, और तीसरी बार आए हैं तो हम आपको शहर घुमा रहे हैं। देखिए राइट में राजभवन है सीधे, जी जी जी, ये देखिए यहाँ चौकी, देखिए क्या सीन है वहाँ। अभी देखिए घंटाघर, पटना घंटाघर यानी कि क्लॉक टावर, जहाँ जहाँ पे अच्छा सीन देखने को मिलेगा वहाँ वहाँ का सीन ले रहे हैं, ठीक है। बाकी आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिएगा कंटिन्यू, और ब्लॉग का एंजॉय लेते रहिएगा। देखिए इधर भी रास्ता है, काफ़ी धूप काफ़ी ज़्यादा है, जिसलिए काफ़ी क्लियर फोटो आ रहा है, दिख रहा है आपको। ये देखिए, ये क्या बताएं, भूल गए हम, ये देखिए गजब दिख रहे हैं चीता पे, वाह। ये पार्क है, पार्क, ये रहा मंदिर, श्री श्री लीलकंठ मंदिर, पुरानी सचिवालय, गेट नंबर 2 पटना, ठीक है। अब देखिए वो रहा पटना का महावीर मंदिर, काफ़ी प्रसिद्ध मंदिर है, जो आप लोग अभी इंस्टाग्राम पर ट्रेंडिंग गाना पसंद रहे होंगे। देखिए काफ़ी अच्छा दृश्य है, हमें नहीं पता है, बिरजू भाई देख लो, बोलिए दिख रहा है। दोस्तों एक्चुअली मैं बाइक चलाते चलाते ना थक गए हैं, ही नहीं रहा है, सूझ ही नहीं रहा है। कुंदन जी आप ही बोलिए ना, बाकी आप लोग देखते चलिए सिटी सेंटर में, बहुत अच्छा होटल है सर, होटल। इधर देखिए रोड, इधर देखिए हॉस्पिटल सब है, काफ़ी गजब देखने को मिला है दोस्तों। एक चीज़ बताना चाहेंगे, लोग कहते हैं कि पटना में जाम लगता है, लेकिन हम जब भी आए हैं ऐसे ही खाली मिला है। मुझे लगता है जो लोकल गली होगा वो बहुत इलाका वाला होगा, वो उधर ही जाम लगता होगा। ये तो पूरा पटना में इस तरह का ओवर ब्रिज है, आप जो है मज़े में जो है सफ़र करिएगा। हाँ हो सकता है संडे सैटरडे को थोड़ा भीड़ हो, लेकिन मुझे लगता है बाकी दिन जो है बहुत ही बढ़िया सफ़र करते हैं ना कुंदन। ताकि हम लोग लोकेशन के सहारा से चल रहा है भाई साहब। हाँ नहीं तो एक चीज़ बताना चाहेंगे, जब हम लोग आए थे तो जो गांधी सेतु है उसको पार ना करके किसी और सेतु से आए थे, दरभंगा गया था सरकारी बस से ही दरभंगा जाता है। ये दरभंगा, हाँ इसको क्या बोलते हैं जी,
पता नहीं जी क्या उसको हम नाम भूल रहे हैं अब। कोनी झूला बोलते हैं। हाँ हाँ झूला मुझे मतलब नाम नहीं है, याद नहीं। वाह गजब गजब गजब। और मैंने को बताइए इसको क्या बोलते हैं। काफ़ी खूबसूरत है, अभी नाम स्मरण नहीं हो रहा है तो बताते हैं आपको, हालांकि आप पहरी होंगे तो पता होगा। चलिए मिलते हैं नई जगह पे नई अंदाज में।